नाइन चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज स्टार्ट करेंगे सेकंड वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। 10 years लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंटेज। तो हमें उनकी प्रेजेंट ए और बी की प्रेजेंटेज का रेशियो दे रखा है 7:5। तो हमने किया है लेट the present age of A and B are 7x year and 5x year. प्रेजेंट एज जो है हमने 7x और 5x ले ली। फिर बोला है हमसे 10 years लेटर, अगर जो भी प्रेजेंट एज है 10 साल बाद की जो एज होगी वो प्रेजेंट एज में 10 years हम ऐड कर देंगे आफ्टर 10 years। 10 साल बाद की एज निकालने के लिए एज एज ए की जो एज होगी वो क्या होगी, जो आज है यानी प्रेजेंट में जो है 7x उसमें हमने 10 years ऐड कर दिए, तो 7x प्लस 10 years 10 साल बाद होगी। और बी की जो एज होगी वो होगी 5x, प्रेजेंट जो है वो 5x है तो 5x में भी सिमिलरली 10 years ऐड कर दिए, तो 5x प्लस 10। तो आफ्टर 10 years उन दोनों की जो एज है वो 7x प्लस 10 और 5x प्लस 10 होगी। उसके बाद हमें बोला है क्वेश्चन में कि इनका जो रेशियो है वो हो जाएगा 9:7 10 ईयर आफ्टर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेशियो 7x प्लस 10 रेशियो 5x प्लस 10 विल बी इक्वल टू 9:7। अब हमने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर लिया, 7x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 9/7। इसे सिंपल लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमने इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करी 7 से 7x प्लस 10 की, 9 से 5x प्लस 10 की। 7 7 49, 49x plus 70 is equal to 9 5 45x plus 90। वेरिएबल्स हम एक साथ ले लेंगे, 49x minus 45x is equal to 90 minus 70, तो 4x is equal to 20 और x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 मीन्स 5। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हम इसे प्रेजेंट एज जो थी उसमें पुट कर देंगे। पहले हमने लिखी प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए जो थी वो थी 7x, तो हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी 7 × 5 35 years, A की एज आई और प्रेजेंट एज ऑफ बी वो थी 5x, x की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो पुट करी तो ये आ गई 5 5 से 25 years। इस तरह से हमने प्रेजेंट एज ए और बी की फाइंड करी 35 years और बी की 25 years। सेकेंड क्वेश्चन, 2 years ago फादर वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड 2 years हेंस ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 times दैट ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो पहले हमें प्रेजेंट एज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसलिए हमने 2 years अगो से ही स्टार्ट किया। लेट 2 years अगो
age of sun. हमने x ईयर ले ली, ये हम दो साल पहले की निकाल रहे हैं, प्रेजेंट एज अभी हमने नहीं फाइंड करी, और एज ऑफ फादर फादर है थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज सन, यानी कि थ्री टाइम्स मीन्स थ्री एक्स, फादर की आगे थ्री एक्स ईयर्स। अब टू ईयर अगो से हम आएंगे प्रेजेंट पे, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सन, दो साल पहले आपकी एज जितनी भी थी तो प्रेजेंट एज उसमें टू ईयर प्लस कर देंगे, तो एक्स प्लस टू ईयर्स ऑफ एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज ऑफ फादर थ्री एक्स थी तो हो जाएगी थ्री एक्स प्लस टू, दो साल पहले जितनी भी एज थी उसमें हमने दो साल प्लस कर दिए तो हमारे पास आ गई प्रेजेंट एज दोनों की। उसके बाद अब हमें जाना है टू ईयर हैं दो साल बाद और आगे दो साल, तो हमने लिखा आफ्टर टू ईयर्स सन एज। अब प्रेजेंट से दो साल और आगे जाना है तो फिर दोबारा दो टू ईयर्स ऐड कर देंगे, एक्स प्लस टू प्रेजेंट एज में टू ईयर्स और ऐड कर दिए तो हो गया एक्स प्लस फोर ईयर्स सन की एज। इसी तरह से फादर की कितनी हो जाएगी, फादर्स एज आफ्टर टू ईयर थ्री एक्स प्लस टू, प्लस टू मीन्स थ्री एक्स प्लस फोर ईयर। सबसे पहले मैं इस चीज को यहां तक दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज ली सन की, सॉरी टू ईयर्स अगो एज ली हमने सन की एक्स ईयर और फादर की थ्री टाइम्स दे रखी थी तो थ्री एक्स। अब टू ईयर अगो से हम प्रेजेंट पे आए तो हमने दोनों में टू ईयर्स ऐड करे तो उनकी एज होगी एक्स प्लस टू और थ्री एक्स प्लस टू, ये हो गई प्रेजेंट की। अब उसके बाद अगली बात बोलिए आफ्टर टू ईयर हेंस, तो हमने प्रेजेंट से नेक्स्ट टू ईयर्स पे आए तो एक्स प्लस टू प्रेजेंट एज में अगेन टू ईयर्स ऐड करे तो वो आफ्टर टू ईयर जितनी एज होगी उनकी वो आ गई एक्स प्लस फोर और फादर की थ्री एक्स प्लस फोर। अब इसमें बोला है कि ट्वाइस हिज एज विल बी फाइव टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, फादर की ट्वाइस इज इक्वल टू फाइव टाइम्स हिज सन एज, हमने इस तरह से लिख लिया क्वेश्चन का मतलब। ट्वाइस ऑफ हिज एज, ट्वाइस ऑफ हिज एज मीन्स फादर की ट्वाइस जो है वो इक्वल है फाइव टाइम्स सन एज, तो ट्वाइस फादर की एज थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव टाइम्स सन की एज एक्स प्लस फोर, इसके इक्वल है। इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आया टू थ्री जे सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फाइव फोर जे ट्वेंटी, तो 6x एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस एट, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। हमने x फाइंड कर लिया और हमने प्रेजेंट हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज जो थी हमारे पास वो थी सन की x प्लस टू फादर की 3x प्लस टू, इसमें पुट कर देंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स प्लस टू मीन्स 12 प्लस टू 14 ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ फादर थ्री एक्स प्लस टू थ्री मल्टीप्लाई 12 प्लस 2, तो ये आ गई 3 मल्टीप्लाई 12 36
प्लस टू 38 ईयर्स। इस तरह से सन की एज आई 14 ईयर्स और फादर की एज आई 38 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द गिवन नंबर्स। दो डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो है 8। तो सबसे पहले हम डिजिट लेते हैं, लेट द डिजिट एट वन स्पेस बी एक्स। मैं आपको यहां पे समझाती हूँ, दो डिजिट हैं तो एक डिजिट हो गई वंस, एक हो गई टेन स्पेस पर। दो डिजिट, एक वन स्पेस पर, एक टेन स्पेस पर। इन दोनों डिजिट का सम जो है वो 8 है, यानी कि 10 स्पेस प्लस 1 स्पेस इज इक्वल टू 8। अब 1 स्पेस पर मैंने पुट किया x, 1 स्पेस पर x पुट किया तो 10 स्पेस पर क्या आएगा, 8 माइनस x। तो 1 स्पेस पर हमने x सपोज किया, इसलिए द डिजिट एट 10th place is equal to 8 minus x। 1's place और 10th place पर जो digits हैं वो आ गई। अब हम original number form करते हैं, तो हमारा original number जो आया वो हुआ 1's place यानी कि x plus 10th place, जो number 10th place पर होता है उसकी multiply 10 से होती है। तो ये फॉर्म हुआ, इसे आके सोल्व किया तो 80 माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे x है सॉरी, तो ये आया 80 माइनस 9x। ये ओरिजिनल नंबर फॉर्म हुआ। आगे इन्होंने कहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब हमने पहले वो नंबर बनाना है जो इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करने पर बनेगा। इंटरचेंज मींस वंस प्लेस पर जो नंबर है वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस प्लेस पर नंबर है वो वन पे आ जाएगा। तो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द डिजिट एट वंस प्लेस। अब डिजिट्स क्या होगी वंस प्लेस पर, the digits at ones place जो पहले 10th place पर थी, क्या थी 8 minus x, अब वो ones place पर आ गई 8 minus x। and the digit at 10th place the digit at 10th place वो क्या हो जाएगी x। अब न्यू नंबर जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, न्यू नंबर इज इक्वल टू 1's place 8 minus x plus 10th place 10x। जो नंबर 10 पे है, 10th place पर है, उसकी मल्टीप्लाई हमें 10 से करनी होती है, तो x की 10 से मल्टीप्लाई करी तो वो बन गया 10x। तो 10x माइनस x 9x प्लस 8। ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर हमारे फॉर्म्ड हो गए। अब इन्होंने कहा है आगे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, जो हमने अभी न्यू नंबर फाइंड किया है, एक्सीड द गिवन नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था उससे 18 एक्सीड है, मतलब उससे 18 ज्यादा है। तो हमें नंबर निकालना है, हमने इसी तरह इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 18। न्यू नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है तो प्लस 18। तो न्यू नंबर हमारा आया 9x प्लस 8 इज इक्वल टू, ओरिजिनल हमने फाइंड किया था 80 माइनस 9x प्लस 18,
ये हमने पुट करी वैल्यू, इसे सॉल्व किया 9x, वेरिएबल x आ लिया है प्लस 9x इज इक्वल टू 80 प्लस 18 माइनस 8, तो 18x इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10, 10 प्लस 18 90 और x इज इक्वल टू 90 अपॉन 18, इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम नंबर काउंट करते हैं। पहले ओरिजिनल नंबर हमने बनाया और क्योंकि दोनों नंबर फाइंड करने हैं तो ओरिजिनल नंबर में हमने वैल्यू रखी x की। ओरिजिनल नंबर था हमारा 80 माइनस 9x, तो 80 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 9x, तो 80 माइनस 9 5 जो 45 इज इक्वल टू 35। और उसके बाद हमारा न्यू नंबर जो दूसरा नंबर था जो फॉर्म हुआ था ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे डिजिट यानी 53। तो ये वो दोनों नंबर हमारे फॉर्म।